आप तक टाइम्स में आपका स्वागत है। महिला एवं बाल विकास विभाग के अमले का मार्गदर्शन प्रोत्साहन एवं उत्प्रेरण कार्यक्रम। मेरे जीवन का उद्देश्य माँ बेटी और बहन को उनका अधिकार दिलाना व उनके सम्मान की रक्षा करना है। भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे हॉल में महिला एवं बाल विकास विभाग के मैदानी अमले का मार्गदर्शन प्रोत्साहन एवं उत्प्रेरण कार्यक्रम में सहभागिता की। मंत्री जी, मध्य प्रदेश शासन, श्री शिवराज सिंह चौहान साहब, अपर मुख्य सचिव महिला बाल विकास विभाग, श्री अशोक शाह साहब, संचालक महिला बाल विकास विभाग डॉक्टर रामराव भोसले, संचालनालय महिला बाल विकास विभाग के अधिकारीगण, कर्मचारीगण, मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए और मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों से जुड़े हुए अधिकारी कर्मचारीगण और प्रदेश की समस्त आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं, सहायिकाएं जो इस मंच से आज इस कार्यक्रम से जुड़ी हुई हैं, आप सभी का माननीय मुख्यमंत्री जी के आतिथ्य में विभागीय अमले का मार्गदर्शन प्रोत्साहन और उत्प्रेरण कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। मुझे खुशी है आपको ये बताते हुए कि महिलाओं और बच्चों के विकास के हर संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने के लिए हर पल दृढ़ संकल्प प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी विभागीय अमले के मार्गदर्शन प्रोत्साहन उनमें ऊर्जा संचार उनकी हौसला अफजाई के लिए आप सभी से आज मुखातिब हैं। मैं सबसे पहले उनके स्वागत के लिए मध्य प्रदेश गान के लिए जवाहर बाल भवन के बच्चों से अनुरोध करती हूँ कि वे मध्य प्रदेश गान प्रारंभ करें। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया अपने अपने स्थान पर उठ जाएं। मेरा मध्य प्रदेश है, सुख का दाता सबका साथी, सुख का दाता सबका साथी, शुभ का ये संदेश है, माँ की गोद पिता का आशय, मेरा मध्य प्रदेश है। तापती और बेतवा का पावन इतिहास है, उर्वर भूमि सदन वन रत्न संपदा जहाँ शेष है, स्वर सौरभ सुषमा से मंडित मेरा मध्य प्रदेश है, सुख का दाता सबका साथी, सुख का दाता सबका साथी, शुभ का ये संदेश है, माँ की गोद पिता का आश्रय मेरा मध्य प्रदेश है। शिप्रा में अमृत कट जल का मिला कृष्ण को ज्ञान, यहाँ महाकाल को तिलक लगाने मिला हमें वरदान, यहाँ कविता न्याय वीरता गायन सब कुछ यहाँ विशेष है, हृदय देश का यह मैं इसका मेरा मध्य प्रदेश है, सुख का दाता सबका साथी, सुख का दाता सबका साथी, शुभ का ये संदेश है, माँ की गोद पिता का आशय मेरा मध्य प्रदेश है।
खजुराहो में कथा कला की, चित्रकूट में राम की, भीम बैठ का आदि कला का, पत्थर पर अभिषेक है, अमृत कुंड अमर कंटक में ऐसा मध्य प्रदेश है, सुख का दाता सबका साथी, सुख का दाता सबका साथी, शुभ का ये संदेश है, माँ की गोद पिता का आशय, मेरा मध्य प्रदेश है, 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 मेरा मध्य प्रदेश है। सुख का दाता सबका साथी, मेरा मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी आज सभी हमारे हम इसका स्वागत करते हैं। और स्वागत के इस अनुक्रम में मैं अनुरोध करती हूँ महिला बाल विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री अशोक शाह साहब से कि वे माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। मेरा अनुरोध है संचालक महिला बाल विकास डॉक्टर रामराव भोसले जी से कि वे माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। माननीय मध्य प्रदेश की 2.25 लाख कार्यकर्ताएं सहायिकाएं आज इस कार्यक्रम से जुड़ी हुई हैं। उनके प्रतिनिधित्व के रूप में मंजू विश्वकर्मा जी जो सहायिका हैं, मेरा उनसे अनुरोध है कि वे माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। कार्यकर्ताओं के प्रतिनिधित्व के रूप में रीना सूर्यवंशी जी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता रीना सूर्यवंशी, मेरा आपसे अनुरोध है कि आप माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। आज स्वागत के इस अनुक्रम में कोई वंचित नहीं रहना चाहता है। इस अनुक्रम में पर्यवेक्षक संघ की प्रदेश अध्यक्ष अंजू कोरपे जी, मेरा आपसे अनुरोध है कि आप माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। परियोजना अधिकारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष श्री इंद्रभूषण तिवारी जी, आपसे मेरा अनुरोध है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का आप स्वागत करेंगे। विभिन्न जिलों के जिला कार्यक्रम अधिकारियों के प्रतिनिधित्व के तौर पर श्री रजनीश सिन्हा जो डीपीओ रतलाम है, मेरा उनसे अनुरोध है कि आप माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। संयुक्त संचालक रीवा उषा सोलंकी जी, मेरा आपसे अनुरोध है कि आप माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगी। और इस कार्यक्रम की समन्वयक संचालनालय की अपर संचालक सीमा सिंह ठाकुर जी, आपसे मेरा अनुरोध है कि आप भी मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। आदरणीय मैं डॉक्टर प्रज्ञा अवस्थी संयुक्त संचालक महिला बाल विकास विभाग आज विभाग की तरफ से और इस कार्यक्रम से जुड़े 2.25 लाख सारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं सहायिकाओं की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। इसके पश्चात मैं अनुरोध करती हूँ कि विभागीय अमले के मार्गदर्शन प्रोत्साहन उत्प्रेरण कार्यक्रम में डॉक्टर रामराव भोसले संचालक महिला बाल विकास से कि वे स्वागत उद्बोधन दें। महिला एवं बाल विकास विभाग के समस्त अमले के मार्गदर्शन प्रोत्साहन और उत्प्रेरण के इस अभिनव कार्यक्रम में हम गौरवान्वित हैं और ये अत्यंत हर्ष और प्रसन्नता का विषय है कि आज न केवल विभाग के मुखिया बल्कि पूरे प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी श्री शिवराज सिंह चौहान जी आज हमारे बीच में अपनी गरिमा में उपस्थिति के साथ में मंचासीन हैं। मैं उनका स्वागत करता हूँ। हमारे विभाग के प्रमुख आदरणीय अपर मुख्य सचिव श्री अशोक शाह साहब का मैं स्वागत करता हूं। हमारे विभाग के द्वय उप सचिव अजय कटेसरिया जी, अदिति मैडम का, और यहां उपस्थित हमारे सभी विभाग के जॉइंट डायरेक्टर, एडिशनल डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, डीपीओस, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, सुपरवाइजर्स, यहाँ सभी का मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। ये कार्यक्रम बड़ा अभिनव कार्यक्रम है और ये अत्यंत ही प्रसन्नता की बात है कि माननीय मुख्यमंत्री जी इतने
व्यस्त हैं और अपने समय में भी विभाग के अधिकारियों और अमले को संबोधित करने के लिए आपने समय निकाला, इसके लिए वाकई में हम काफ़ी गौरव और काफ़ी हर्ष की अनुभूति कर रहे हैं। विभाग के बारे में मैं संक्षिप्त में कहना चाहूँगा कि विभाग 1985-86 से बना हुआ है और महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य, सुरक्षा और सशक्तिकरण को लेकर लगातार कार्य कर रहा है। पूरे मध्य प्रदेश में 97,135 आंगनबाड़ियाँ हैं, 453 परियोजनाएँ हैं और सभी जिलों में हमारे अधिकारी कर्मचारी तैनात हैं और काफ़ी बड़ा अमला है जिसकी संख्या लगभग 1,85,000 है, जो कि आज हमारे इस कार्यक्रम को न केवल जिलों में सुन रहे हैं बल्कि जो वेबकास्ट लिंक और जो यूट्यूब लिंक हमने सबको दी हुई है उसके माध्यम से प्रोजेक्ट में और आंगनबाड़ियों में भी इसको सुनने का काम हमारे अमले के द्वारा किया जा रहा है। मैं इस अवसर पर ज़्यादा बात ना करते हुए केवल इतना कहना चाहूँगा कि विभाग ने पिछले सालों में काफ़ी उल्लेखनीय कार्य किया है और ये सब संभव हो पाया है माननीय मुख्यमंत्री जी के गतिशील नेतृत्व के कारण। जितना समय वो हमको देते हैं, इस विभाग को देते हैं, उनकी प्रेरणा, उनका मार्गदर्शन और उसी का ये सुपरिणाम है कि आज हमारा जो फील्ड का अमला है वो काफ़ी योजनाओं में और समाज के इन कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग ले रहा है। कोविड काल के दौरान भी माननीय मुख्यमंत्री जी को याद होगा कि हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने और सहायिकाओं ने और सुपरवाइजर्स ने, फील्ड के अमले ने पूरे ज़िले में, हर ज़िले में स्वास्थ्य अमले के साथ में मिलकर बहुत अच्छा कार्य किया था। जो कोविड टीकाकरण कार्य हुआ था उस टीकाकरण के कार्य में भी काफ़ी सक्रियता से अपनी भूमिका निभाई थी। तो ये सारी चीज़ें हमारी लगातार होते आ रही हैं और आज चूंकि जब ये कार्यक्रम था तो हम लोगों ने ये अनुमान लगाया कि पिछले 2 साल में या कोरोना के काल के बाद से अब तक जो 2-2.5 साल का अल्प समय है, उस अल्प समय में विभाग ने कितनी गतिशीलता से काम किया है उसके बारे में मैं केवल आपको ये बताना चाहूँगा कि इस दौरान कल्याणकारी विभिन्न प्रकार की नई योजनाएँ बनी, नवाचार हुए, कई प्रकार के नए काम हाथ में लिए गए। उसमें से कुछ मैं बताना चाहूँगा। सबसे पहले मुख्यमंत्री कोविड बाल सेवा योजना, कोविड काल के दौरान जो अनाथ हुए बच्चे थे उनके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ मध्य प्रदेश में शुरू करवाई और ये अत्यंत हर्ष की बात है कि केवल औपचारिकता नहीं थी, हर कार्यक्रम में, चाहे दिवाली का कार्यक्रम हो, रक्षाबंधन का कार्यक्रम हो, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उन बच्चों को अपने परिवार के साथ अपने CM हाउस में बुलाकर उस कार्यक्रम को अंजाम दिया। उन बच्चों को ये एहसास कराया कि कदम कदम पर न केवल सरकार बल्कि स्वयं मुख्यमंत्री जी उनके साथ खड़े हुए। मुख्यमंत्री घरेलू हिंसा से पीड़ित योजनाओं के लिए महिलाओं की सहायता के लिए योजना बनाई गई। कुपोषण को दूर हटाने के लिए मुख्यमंत्री बाल संवर्धन कार्यक्रम हमारे यहाँ पिछले 2.5 साल से गतिशील है और उस कार्यक्रम में काफ़ी अच्छे परिणाम उसके सामने आ रहे हैं, जो लगातार हर महीने जो हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएँ और सहायिकाएँ शारीरिक माप लेकर और लगातार फॉलोअप करती हैं, उससे हमारे मैम और सैम बच्चों के स्वास्थ्य में और उनकी श्रेणी सुधार में काफ़ी अच्छा काम देखने को उसमें मिला है और जो NFHS 5 का जो डेटा आया है वो भी उसको प्रमाणित करता है। इसी प्रकार से मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना, इस योजना के बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद एक दिन मीटिंग में कहा था कि 18 वर्ष से ऊपर होने के बाद क्या हमारे बच्चों को हम छोड़ देते हैं, तो ये एक ऐसा पॉइंट था जो माननीय मुख्यमंत्री जी जैसा ब्राट व्यक्तित्व ही सोच सकता है कि क्या हम 18 वर्ष से ऊपर के बच्चों को जो केयर लीवर्स हैं क्या हम उनके लिए कोई योजना नहीं बना सकते। तो वो योजना भी मुख्यमंत्री जी के द्वारा दी गई विभाग को, मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना के रूप में वो भी योजना प्रारंभ हुई। नारी सम्मान कोष, महिला उद्यम शक्ति योजना, ये योजना भी इस प्रकार से बनाई गई कि महिलाओं के लिए किस प्रकार से उनको स्वरोजगार और अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए, आत्मनिर्भर बनने के लिए हम सहायता कर सकें। चाइल्ड बजटिंग एक नया अभिनव प्रयास था, चाइल्ड बजटिंग का कार्य इस बार मध्य प्रदेश सरकार ने हाथ में लिया। राज्य की एक सुपोषण नीति बनाई गई 2020-2030 के लिए। इसी प्रकार से जो प्री स्कूल शिक्षा है ECCE की, उसकी नीति का निर्माण किया गया। एडॉप्ट एन आंगनबाड़ी में मध्य प्रदेश ने पूरे देश में सबसे अच्छा काम किया है और ये सब संभव हो पाया है माननीय मुख्यमंत्री जी के खुद की व्यक्तिगत पहल के कारण। आपको सबको पता है भोपाल के अधिकांश लोग यहाँ बैठे हुए हैं, भोपाल में माननीय मुख्यमंत्री जी खुद अपना समाज के लोगों से सहयोग प्राप्त करने के लिए आगे बढ़े और उसी प्रकार का कार्यक्रम उन्होंने इंदौर में किया और अभूतपूर्व सहयोग समाज के विभिन्न वर्गों से प्राप्त हुआ। और ये केवल यहाँ नहीं हुआ बल्कि हमारे प्रदेश के सभी जिलों में
जितने भी हमारे जनप्रतिनिधिगण हैं, माननीय प्रभारी मंत्रीगण हैं, कलेक्टर्स हैं, उन्हें सबने साहब के निर्देश के आधार पर इतना अच्छा काम किया कि एडॉप्टेड आंगनबाड़ी में हमारे यहाँ उल्लेखनीय उपलब्धियाँ उसमें हासिल हुई हैं। लाडली लक्ष्मी योजना, जो कि माननीय मुख्यमंत्री जी का शुरू से सपना रहा कि महिलाओं को और बच्चों के लिए, लड़कियों के लिए खासतौर से किस प्रकार से काम किया जाए, 2007 से योजना चल रही है। उस योजना में हायर एजुकेशन को जोड़ने की दृष्टि से 2.0 जो नई योजना और उसका नया कलेवर उसका सामने आया, वो भी अपना एक अभिनव प्रयास है जो इसमें किया गया। इसी प्रकार से जो हम लोग बच्चों के पोषण के लिए जो THR और हॉट कुक मील सप्लाई करते हैं, ये काम वापस से MP एग्रो के माध्यम से चल रहा था, उसको वापस लिया जाकर फिर महिलाओं के SHG के माध्यम से किया गया। उसी में एक अभिनव कड़ी और जोड़ी गई कि जो शहरी क्षेत्र में भी जो दूसरे प्राइवेट निजी वेंडर्स काम कर रहे थे उनको भी हटा के उसमें भी हमने NULM के जो महिला समूह हैं उनको उसमें जोड़ा, और इस प्रकार से शहरी क्षेत्र में भी महिलाओं के समूह के माध्यम से काम किया गया। IT का समावेशन एक बड़ी प्रमुख चीज़ है, और मैं माननीय ACS साहब का इसमें हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि उन्होंने समय समय पर हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों के किस प्रकार से ऑनलाइन उसकी मॉनिटरिंग हो सके, रियल टाइम मॉनिटरिंग हो सके, उसके लिए हमने कई प्रकार की ऐप बनाई हैं, मॉड्यूल्स बनाए हैं, पोर्टल बनाया है। कोविड बाल सेवा योजना के, बाल आशीर्वाद योजना के सारे केसेस पोर्टल पर ही मंजूर होते हैं, ऑनलाइन मंजूर होते हैं, आपको पता है ये सारी बातें। तो इस प्रकार का काम भी इसमें लगातार किया जा रहा है। अपराजिता योजना के अंतर्गत बच्चियों को कैसे सेल्फ डिफेंस की हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, ये सभी को विदित है। आंगनवाड़ी भवनों के संधारण और बिजली का बिल भरने के लिए पहली बार ये बजट में प्रावधान किया गया, और हम आभारी हैं मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग के भी और माननीय मुख्यमंत्री जी की पहल के कि इस प्रकार की योजना जो वास्तविक रूप से, व्यवहारिक रूप से हमें काम करने में कठिनाई होती है, उसको भी हमें पहली बार इसमें वित्तीय प्रावधान किया गया, और ये भी आप लोगों को हम उपलब्ध करा रहे हैं। तो इस प्रकार से ये विभिन्न प्रकार की योजनाओं के माध्यम से ये एक उदाहरण है कि विभाग कितनी गतिशीलता से काम कर रहा है, और ये सब संभव हो पाया है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से, और उनके जो समय समय पर जो निर्देश और समीक्षा बैठकों में लगातार हमें निर्देश मिलते हैं, उसके आधार पर ही हम सब ये करने में संभव हो पाया है। और मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, और माननीय मुख्यमंत्री जी को इस अवसर पर हम सुनना चाहेंगे निश्चित रूप से हमारे आने वाले समय में हम किस प्रकार का काम और करेंगे, किस प्रकार की विभाग के मुखिया के रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी की हम लोगों से अपेक्षाएं हैं, हम उसको भी सुनेंगे, और हम प्रयास करेंगे कि जिस प्रकार की भी हमसे अपेक्षाएं हैं सुपोषित मध्य प्रदेश को बनाने में, जिस प्रकार भी हमारी भूमिका हो सकती है हम उसको निर्वाह करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद संचालक महिला बाल विकास डॉक्टर भोसले आपका। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके नेतृत्व और मार्गदर्शन में विभाग ने नई नई उपलब्धियां हासिल की हैं, लगातार नित नए आयाम प्राप्त किए हैं, और आपकी अपेक्षाओं पर खरा उतरने का प्रयास किया है। इन्हीं प्रयासों के अनुक्रम में विभाग के कुछ अधिकारियों और कर्मचारियों ने बेहतरीन और उल्लेखनीय काम किया है। आज हम आपके उन सभी को आपके कर कमलों से पुरस्कृत करना चाहते हैं, ताकि उन सभी का उत्साहवर्धन हो। और इसी क्रम में सबसे पहले मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ हमारी आंगनवाड़ी सहायिकाओं को और कार्यकर्ताओं को। तो सबसे पहले सहायिकाओं में श्रीमती बीना नामदेव, आप आए और माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से प्रशस्ति पत्र प्राप्त करें। बीना नामदेव के बाद श्रीमती संध्या तिवारी, आप तैयार रहें। श्रीमती सुनीता विश्वकर्मा, सुश्री चंद्रकला इतापे, श्रीमती शांति माहौर, श्रीमती महादेवी वर्मा, श्रीमती शाहजहां शेख, आप सभी से अनुरोध है कि कृपया मंच के दाईं तरफ आकर पुरस्कार लेने के लिए तैयार रहें। राजकुमारी जंगेला, प्रणीता सोनी और मीनारे दास, आंगनवाड़ी केंद्र के नियमित संचालन को सुनिश्चित करने के लिए केंद्र का प्रतिदिन समय से खोलने और केंद्र और बच्चों की स्वच्छता बनाए रखने, बच्चों के प्रति समर्पित होकर उनकी देखभाल करने। सर मैं वही पूछी, आंगनवाड़ी केंद्र के नियमित संचालन को सुनिश्चित करने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी सहायिकाओं पर होती है, और इसे सुनिश्चित करने के लिए केंद्र का प्रतिदिन समय से खुलने को इंश्योर करने के लिए और बच्चों की स्वच्छता बनाए रखने के लिए, बच्चों को समर्पित होकर उनकी देखभाल करने के लिए, इन दायित्वों का निर्वहन उत्कृष्टता के साथ करने के कारण इन सभी निम्न
सहायिकाओं को हम सभी आज प्रशस्ति प्रमाण पत्र से नवाज रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों आप सभी एक प्रोत्साहन प्रशस्ति पत्र प्राप्त कर रहे हैं। श्रीमती वीना नामदेव, श्रीमती संध्या तिवारी, श्रीमती सुनीता विश्वकर्मा, सुशी चंद्र कलाईतापे, श्रीमती शांति माहौर, श्रीमती महादेवी वर्मा, श्रीमती शाहजहां शेख, सुश्री राजकुमारी जंगेला, श्रीमती प्रणीता सोनी और सुश्री मीना रैदास, बहुत बहुत बधाइयां इन सभी सहायिकाओं को। इनके बदौलत ही हम सब कार्यकर्ताओं और आंगनवाड़ियों को नियमित संचालन सुनिश्चित कर पाते हैं। आप सभी को बहुत बहुत बधाइयां हमारी सभी सहायिकाओं को और प्रदेश भर की सहायिकाओं को कि वो इनसे प्रेरणा लेकर काम और अच्छा करने का कोशिश करेंगी। आप सभी सहायिकाओं का, जैसा आप सभी जानते हैं, विभागीय अमले में की बहुत बड़ी भूमिका होती है आंगनवाड़ी को सुव्यवस्थित संचालित करने के लिए, उसे स्वच्छ रखने के लिए और बच्चों की नियमित उपस्थिति रखने के लिए। हम इन सभी सहायिकाओं को माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से बहुत बहुत बधाइयाँ और बहुत बहुत शुभकामनाएँ देते हैं। इसके पश्चात हम आमंत्रित करते हैं हमारे विभाग के आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को जिनकी बहुत बड़ी भूमिका होती है आंगनवाड़ी केंद्रों के संचालन में। मैं नाम पुकारती हूं श्रीमती ममता सिंह, जो चिरहुला रीवा से हैं और उनके केंद्र का नाम है चिरहुला सेक्टर चिरहुला, परियोजना रीवा शहरी, जिला रीवा और संभाग रीवा। श्रीमती ममता सिंह और इनके साथ साथ श्रीमती सरोज जैन भी आ जाएं। श्रीमती ममता सिंह 2021-22 में केंद्र के अंतर्गत पंजीकृत समस्त कुपोषित बच्चों का श्रेणी सुधार कर कुपोषण मुक्त आंगनवाड़ी केंद्र इन्होंने बनाया। मैं रिपीट कर रही हूँ, कुपोषण मुक्त आंगनवाड़ी केंद्र इनका है, जो एक बहुत बड़ी बात है और बहुत बहुत बधाइयां ममता सिंह जी को। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में 13 और लाड़ी लक्ष्मी भी इन्होंने अच्छा काम किया है। श्रीमती सरोज जैन, जो बलदेवगढ़ ग्रामीण बलदेवगढ़ टीकमगढ़ से हैं, इन्होंने भी कुपोषण मुक्त आंगनवाड़ी केंद्र बनाया। आप बहुत बहुत बधाई की पात्र हैं। इसके पश्चात श्रीमती सरिता धाकड़, जो चंदन पिपलिया बीकलपुर सिलवानी रायसेन से हैं, आपको भी बहुत बहुत बधाइयाँ। सुश्री रेखा शर्मा, खारपा मिनी सेक्टर का नाम है कायथा, परियोजना तराना उज्जैन, आपको भी बहुत बहुत बधाइयाँ माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से प्रशस्ति पत्र प्राप्त करते हुए। सुश्री अनार देवी, सुश्री प्रेमवती जाटव, अनार देवी सुखवासी प्रतापपुरा अटेर भिंड की हैं। श्रीमती सुश्री प्रेमवती जाटव गढ़ी सालमपुर चिनौर भितरवार की हैं, ग्वालियर से हैं, आपको भी बहुत बहुत बधाइयां। आप कृपया तालियां लगातार बजाते रहे। आप सब जानते हैं, आप विभागीय अधिकारी कर्मचारी हैं, कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं का इतना रोल होता है, इतनी भूमिका होती है, तालियों की जरूर जरूरत है इन सबको भी और जितनी भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं सहायिकाएं सुन रही हैं उन सभी के लिए तालियां रुकनी नहीं चाहिए। बहुत अभूतपूर्व पल है कि विभागीय कर्मचारी अधिकारियों को आज पुरस्कृत किया जा रहा है। सुश्री रुक्मणी विश्वकर्मा खकरिया पलोहा गाडरवारा नरसिंहपुर से हैं, सुश्री शांति जावरकर काबरा रैयत खामला भैंसदेही बैतूल से हैं, बहुत बढ़िया। इसी हौसला अफजाई की आप सबसे गुजारिश थी हमारी। सुश्री अंजु शुक्ला उमरिया, जो बडेरी 2 केंद्र से हैं, कार्यकर्ता हैं, और आप सभी ने कुपोषण मुक्त आंगनवाड़ी केंद्र बनाने में बहुत महत्वपूर्ण काम किया है। लाडली लक्ष्मी योजना और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में आपने उल्लेखनीय कार्य किया है, इसलिए आप सभी को माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा यहाँ पुरस्कृत किया जा रहा है। इसके पश्चात हमारे विभाग के जो पर्यवेक्षक हैं, जिनके अधीनस्थ 26 से 28 आंगनवाड़ियां होती हैं, मैं पर्यवेक्षकों के अनुक्रम में श्रीमती अनुसुईया वाजपेयी चंदवाही सिंहावल सीधी संभाग रीवा को आमंत्रित करती हूं, जिन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, जो रैंकिंग में जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया हुआ है। श्रीमती अनुसुईया वाजपेयी, सुश्री संगीता मावी आप भी आ जाएं, जिन्हें हम लोगों ने रैंकिंग में द्वितीय स्थान दिया हुआ है। जो तेमाजी उदयगढ़ अलीराजपुर इंदौर से हैं, इंदौर संभाग से हैं, अलीराजपुर जिले से हैं, द्वितीय स्थान। और सुश्री प्रीति यादव खितौली गोहत,
रुक्मणी विश्वकर्मा तो आंगनवाड़ी खा रही। अनुसुईया बाजपेयी परिवेशक, आपने अपने पुरस्कार ग्रहण किया। उसके बाद सुश्री संगीता मावी जो उदयगढ़ अलीराजपुर से हैं, आपने पुरस्कार ग्रहण किया। इन सभी का मुख्यमंत्री बाल आरोग्य संवर्धन कार्यक्रम में उल्लेखनीय योगदान है और प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना और लाडली लक्ष्मी योजना में। और इसके पश्चात सुश्री प्रीति यादव जो खितौली गोहद भिंड में है, बहुत बहुत बधाइयां आप सभी पर्यवेक्षकों को और इनकी हौसला अफजाई के लिए मुझे लगता है तालियां बजनी चाहिए। और इसके पश्चात क्रम आता है हमारे विकास खंड के जो बाल विकास परियोजना अधिकारियों का, प्रभारी परियोजना अधिकारियों का, जिनका उल्लेखनीय योगदान रहा है। तो प्रथम रैंकिंग में हम लोगों ने स्थान दिया है श्रीमती अंकिता पाटीदार, परियोजना अधिकारी जावरा ग्रामीण रतलाम जिला। तालियां उल्टे हाथ की तरफ कैसे बज रही है, सीधे हाथ नहीं, मुझे लगता है कि आपकी तालियों से जरूर हमारे विभाग के हम लोग का हौसला अफजाई होगा। श्री मुकेश भूरिया, परियोजना अधिकारी भाबरा जिला अलीराजपुर, आपने द्वितीय स्थान लिया हुआ है अपने परफॉर्मेंस में, अपने उल्लेखनीय और बेहतरीन योगदान में, बहुत बहुत बधाई है मुकेश जी आपको। और इसके पश्चात परियोजना अधिकारी श्री संदीप रूहल, परियोजना अधिकारी आष्टा दो जिला सीहोर, इन्होंने तृतीय स्थान प्राप्त किया है। इन तीनों ने मुख्यमंत्री बाल आरोग्य संवर्धन कार्यक्रम के अंतर्गत उल्लेखनीय कार्य किया है और साथ ही विभाग की दो महत्वपूर्ण योजनाएं प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना, लाडली लक्ष्मी योजना में उल्लेखनीय कार्य किया हुआ है। बहुत बहुत बधाइयां आप सभी को। और इसके पश्चात जिला कार्यक्रम अधिकारियों का अनुक्रम है और उस अनुक्रम में हमारे जिस जिले ने बहुत अच्छा काम किया है, नंबर वन श्रीमती शिवकली बरबड़े, जिला कार्यक्रम अधिकारी अलीराजपुर, बहुत बहुत बधाइयां आपको। और जिला कार्यक्रम अधिकारी के नेतृत्व में ही सारा कार्य होता है तो आप सबकी तालियां जरूर इसके लिए जरूरी हैं। द्वितीय क्रम में श्री धीरेंद्र सिंह जादौन, जिला कार्यक्रम अधिकारी गुना, बहुत बहुत बधाइयां डीपीओ अलीराजपुर को, डीपीओ गुना आप पुरस्कार प्राप्त करते हुए। और तृतीय स्थान पर रहे हैं श्री अरविंद कुमार उपाध्याय, डीपीओ दतिया, और दतिया का आपको पता ही है कि बहुत इन्होंने उल्लेखनीय कार्य किया हुआ है, राष्ट्रीय स्तर पर भी इनको पुरस्कृत किया गया हुआ है। आप सभी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं, पर्यवेक्षकों, सुपरवाइजर्स, डीपीओस को बहुत बहुत बधाइयां और बहुत बहुत शुभकामनाएं भविष्य के लिए। माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों आप सबने पुरस्कार प्राप्त किया और प्रोत्साहन प्राप्त किया। और इसके पश्चात वंचना सिंह परिहार जो वन स्टॉप सेंटर की प्रशासक हैं, इंदौर की वन स्टॉप सेंटर की प्रशासक के उल्लेखनीय कार्य के लिए उन्हें यहां पर पुरस्कृत किया जाता है। प्रशासक वन स्टॉप सेंटर सुश्री श्रीमती वंचना सिंह परिहार, बहुत बहुत बधाइयां मैडम आपको और आप सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को। और अब बारी है मध्य प्रदेश विजय के जननायक, परिवर्तन के जननायक, प्रदेश हित के लिए सदैव तत्पर, प्रदेश की महिलाओं और बच्चों के विकास के लिए और बेटियों के लिए सदैव चिंतित, प्रदेश प्रथम सदैव प्रथम के विचारक माननीय मुख्यमंत्री जी श्री शिवराज सिंह चौहान जी को सुनने का और उनके मार्गदर्शन, प्रोत्साहन और प्रेरणा उद्बोधन प्राप्त करने का। मैं बहुत आदर बहुत सम्मान के साथ इस विभाग के मुखिया और प्रदेश के मुखिया श्री शिवराज सिंह चौहान जी को उनके उद्बोधन के लिए सादर आमंत्रित करती हूँ। बोलिए भारत माता की। मेरे साथ इस गरिमामय कार्यक्रम में उपस्थित
विभाग के ACS अशोक शाह जी, भोसले जी, सभी हमारे अधिकारी कर्मचारी, मेरी बहनें, मेरे भाई जो यहाँ बैठे हैं वो भी, और जो मुझे NIC के माध्यम से सुन रहे हैं और अलग अलग आंगनबाड़ियों में भी सुन रही, मेरी सभी प्रिय बहनें, आप सबका यहाँ स्वागत। महिला और बाल विकास मेरे लिए विभाग नहीं है, मेरा अपना परिवार है। मैं कई दिनों से सोच रहा था, ये व्यस्तताएं बहुत रहती हैं, लेकिन मेरे मन में सदैव से ये बात थी कि जो मैदानी अमला है हमारा, जो परिणाम देता है, जो फील्ड में मेहनत करता है, कम से कम उससे तो बात हो। और दूसरी बात, हम मेहनत से काम करते हैं, कई लोग बहुत मेहनत से काम करते हैं, हमारी आंगनबाड़ी सहायिकाएं हो, कार्यकर्ताएं हो, सुपरवाइजर्स हो, CDPO हो, हमारे सहायक परियोजना अधिकारी, महिला बाल विकास अधिकारी हो, जिला कार्यक्रम अधिकारी हो, और चाहे सहायक संचालक, उप संचालक, संयुक्त संचालक, अपर संचालक, उनसे लगा के विभाग के लिपिक हो, कंप्यूटर ऑपरेटर हो, सहायक उनके हो, भृत्य हो, सब लोग अपनी अपनी जगह महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते हैं। एक तो मुझे आपसे मिलना था, इसलिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया, और दूसरे, इतनी मेहनत करके अच्छा काम करें और कोई प्रशंसा के दो बोल भी ना बोले, ये तो ठीक नहीं है। और इसलिए हमने तय किया कि जिनने बहुत अच्छा काम किया है, हमारे अपने साथी ही, हमारी अपनी बहनें ही, उनको पुरस्कृत करना चाहिए, उनको सम्मान देना चाहिए। ये केवल एक प्रमाण पत्र मैंने आपके हाथों नहीं दिया है, मैंने मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता की ओर से आपका सम्मान किया है, आपका मान किया है, आप आदर किया है। और यह साधारण नहीं है, आखिर कोई क्यों काम करता है? एक इसलिए कि नौकरी है करना है, आजीविका चलाना है, काम मिल गया काम करना है, लेकिन एक तड़प होती है कि ठीक है आजीविका मेरी इससे चलती है, लेकिन जिसके लिए मैं रखी गई हूं, जिस काम के लिए, या मेरी तरफ जो काम है, उसको मैं बेहतर से बेहतर करके ऐसे परिणाम दूंगा या दूंगी कि जिससे विभाग का उद्देश्य सफल हो जाए, और उसी में हमारी जिंदगी की सार्थकता है। देखो, हम काम करते हैं तो काम करने के अलग अलग दृष्टिकोण होते हैं। एक बहुत सटीक उदाहरण एक कथा के रूप में मैं कई बार देता हूं, और आपके सामने आपको भी वो सुनाना चाहता हूं। एक मंदिर बन रहा था, मंदिर के निर्माण के लिए मजदूर पत्थर तोड़ रहे थे, गर्मी के दिन थे, सूरज अपनी किरणों से आग उगल रहे थे, पत्थर तोड़ने के काम में मजदूर लगे हुए थे। एक साधु वहां से गुजरे तो उनके मन में आए हैं, एक विचार आया कि इनसे पूछते हैं ये क्या कर रहे हैं। पहले मजदूर के पास वो गए, क्या कर रहे हो भाई? तो गुस्से से उसका चेहरा लाल हो गया, मई का महीना, गर्मी, पसीना पसीना, पूछने आ गए क्या कर रहे हो, किस्मत फूटी है तो पत्थर फोड़ रहे हैं और क्या कर रहे हैं। बाबा आगे बढ़े, दूसरे मजदूर के पास पहुंच गए, भाई तुम क्या कर रहे हो? वो अपेक्षाकृत शांत था कि बाबा दुनिया में आए हैं तो जीना ही पड़ेगा,
इसलिए पेट भरने के लिए मजदूरी कर रहा हूं। फिर वो तीसरे के पास पहुंचे, उससे पूछा कि क्या कर रहे हो, तो तीसरे का चेहरा गर्मी के बावजूद भी आनंद से दमक रहा था। उसने कहा बाबा देख नहीं रहे सामने भगवान का मंदिर बन रहा है, और भगवान के मंदिर के निर्माण में जो पत्थर लगना है उन पत्थरों को तोड़ने का सौभाग्य मेरे हाथों को मिला है, मैं मंदिर के निर्माण के लिए पत्थर तोड़ रहा हूं। काम एक पत्थर तोड़ना, उसे मजदूरी भी मिलती है, लेकिन दृष्टिकोण तीन, किस्मत फूटी है, पेट भरने के लिए कर रहा हूं, और एक मेरा सौभाग्य। मेरी प्रिय बहनों भाइयों, अगर तीसरा दृष्टिकोण काम करने का हो जाए तो सचमुच में काम आनंद बन जाता है, काम ही आनंद बन जाता है। अब मैं हूं आप हूं, हम लोग मेहनत करते हैं, अब मुझे आपके सामने कहने में संकोच नहीं, मैं 18 घंटे काम करता हूं पूरे, अभी भी मेरा गला बैठा हुआ है, सवेरे से लेके देर रात तक एक तड़फ रहती कि यार 8.5 करोड़ लोगों के लिए काम करना, पगला तो चुप बैठेगा क्या आराम से, क्या तुझे विश्राम करने का हक है, एक क्षण भी तू कैसे व्यर्थ गवा सकता है, और कर और कर और कर। मैं दौड़ता रहता हूं दिन और रात। हमारी जिन बहनों को हमने सम्मानित किया है उनमें से कई ऐसे ही है जिनको लगता मेरी आंगनबाड़ी का कोई बच्चा कुपोषित कैसे रहेगा, उसको सुपोषित करने के लिए मैं जी जान लगा दूंगी, और वो दिल से अंतरात्मा से मन से मेहनत करती है, और मेहनत करती है तो वैसे परिणाम आते हैं। अब सोच के देखिए सचमुच में, एक बात सही है कि आजीविका तो चलती है इससे, लेकिन हम प्रदेश में सबसे बड़ा दायित्व हमारा कुपोषण दूर करना, वैसे अलग अलग काम है अपने विभाग के, और अगर कोई अंडरवेट बच्चा उसका वजन पूरा हो जाए आपके प्रयासों से तो आपको आनंद आता कि नहीं आता, मेरी आंगनवाड़ी में अब कोई कुपोषित नहीं, कितनी बड़ी सेवा है। तो अपना काम लोगों की जिंदगी बचाने का, बच्चों की जिंदगी बचाने का और बनाने का काम है। अब महिला बाल विकास मतलब 75% आबादी की सेवा का विभाग है, आधी तो बहने ही है मेरी 50%, और उनमें बच्चे और मिला दो तो 25% वो हो जाते हैं, 75% की जिम्मेदारी अपने पास है, और उसके लिए अलग अलग कार्यक्रम है अपने पास के। एक एक कार्यक्रम के बारे में विस्तार से बताने की जरूरत नहीं है मुझे। अब सबसे प्रमुख काम यह है कि हमारे बच्चे कुपोषित ना रहे। अब मध्य प्रदेश के माथे पर मुझे एक कलंक लगता है कि कुपोषण के मामले में हमने प्रगति की है, इसमें कोई दो मत नहीं, कुपोषण कम किया है, आंकड़े इसके गवाह हैं, लेकिन हम बाकी राज्यों से पीछे हैं। देखो आज के जमाने में इतनी योजना अपने पास है कि कोई बच्चा कुपोषित रह ही नहीं सकता, अगर हम ढंग से काम करें तो कोई बच्चा कुपोषित नहीं रह सकता। सरकार भी कर रही है और समाज भी बिल्कुल बाहें फैलाए बैठा है। अभी आप उदाहरण दे रहे थे आंगनबाड़ी में, एक दिन निकल गया मैं भोपाल में, भोपाल की बहनें यहां पे बैठी होंगी, निकले थे हाथ ठेला लेके बच्चों को खिलौने के लिए, लोगों ने कई ट्रक भर दिए ले जाओ, और जिनके पास सामान नहीं था वो चेक ले लेके पीछे दौड़ रहे थे, ले जाओ मामा ले जाओ मामा ले जाओ मामा, खरीद खरीद के दे देना बच्चों को। इंदौर में मैं निकला, 1 घंटा कुल निकला, 8.5 करोड़ रुपए के चेक मुझे मिले, रस्ते चलते मांगे नहीं किसी से, लोग चेक ले लेके पीछे दौड़ रहे थे कि हम कोई सामान नहीं है, चेक ले लो मामा चेक ले लो मामा चेक ले लो मामा, दिला दो बच्चों को जो दिलाना है।
और 40 ट्रक भर गए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि समाज के पास देने को बहुत कुछ है, लोग देना भी चाहता है, सवाल लेने वाले का है। विश्वास कि मैं जो पैसा दे रहा हूं उसका सही उपयोग हो जाएगा। इसलिए हमने एडाप्टेड आंगनबाड़ी अभियान चलाया। अब उसका मतलब यह कि समाज को जोड़ दो आंगनबाड़ी से, केवल आंगनबाड़ी कार्यकर्ता क्यों, हम तो करेंगे, सहायिका करेंगी, जिनकी तरफ मॉनिटरिंग का काम है वो मॉनिटरिंग का काम करेंगे, लेकिन बाकी क्यों नहीं। अब कुछ जगह मैंने आह्वान किया कि भाई फसल आ गई किसान की, एक कुंटल आधा कुंटल दे दो बच्चों को, वो पोषण मटका अभियान आपका चला, लोग ढेर लगा देंगे। लोगों का विश्वास पैदा होना चाहिए, खाने पीने के सामान की कोई दिक्कत नहीं रहेगी, कमी नहीं रहेगी। और हम अपनी आंगनबाड़ी को आदर्श कैसे बना सकते हैं, पहली चीज वही कि बच्चे कुपोषित ना रहे। क्या आज हम संकल्प कर सकते हैं? सभी आंगनबाड़ी की बहनें मुझे सुन रही हैं, ऊपर के सारे हमारे अधिकारी मुझे सुन रहे हैं, क्या महिला बाल विकास विभाग ये संकल्प ले सकता है कि एक साल के अंदर एक भी बच्चा अंडरवेट नहीं रहेगा? हम देखेंगे और करके दिखाएंगे, हम करेंगे। विभाग की योजनाओं का भी लाभ देंगे, समाज से भी सहयोग लेंगे। असंभव नहीं है, करके दिखाया जा सकता है। तो बोलो, ये चैलेंज स्वीकार है क्या? बहुत डर गए सब, क्या कह रहे हो? अरे स्वीकार है क्या? चैलेंज लेना, उसी में तो मजा है। अच्छा हो मंजूर तो बोलो हाँ, ठीक है। केवल यही नहीं, मैं बाकी दूसरी जगह भी जो सुन रहे हैं वो कह रहे, उसके लिए बाकायदा अपन आंगनबाड़ी में कितनी जरूरत है, कितनी सरकार पूरी करेगी, कितनी समाज से पूरी करवाएगी। अच्छा जहां ऐसा लगता है कि उतनी चीजें नहीं मिल सकती, तो बड़े शहर का है के लिए अब इंदौर वालों से कह दें तो जरूरत पड़ेगी तो झाबुआ अलराजपुर वो तैयार है, क्या क्या सामान देना हम दे देंगे। तो हम लिस्टिंग तो करें आंगनबाड़ी की, पोषण के लिए ये चीज चाहिए पहली चीज, और जो बाकी अन्य गतिविधियां हैं जैसे हमने तय किया है कि हमारे जो आंगनवाड़ी है अब वो केवल आंगनवाड़ी नहीं रहेंगे, प्री स्कूलिंग वहीं पे होगी, पहले पढ़ाई बच्चों की। अब कई आंगनवाड़ी बहुत अच्छा काम कर रही है, तो उसके हिसाब से हम जरूरत का आकलन कर लें और फिर हम आह्वान करेंगे ये चीज चाहिए। मैं भी आपका आह्वान करूंगा, जरूरत पड़ेगी तो फिर हाथ ठेला लेके निकल जाऊंगा, लाओ भैया। मांगने में क्या दिक्कत है, मर जाऊं मांगू नहीं, अपने तन के काज परमार्थ के कारण है मोहि ना आवे लाज। सीएसआर का पैसा बहुत से पड़ा हुआ है, पैसे की कमी नहीं है, इच्छा शक्ति होनी चाहिए, ना चाह होती है ना राह को निकलना ही पड़ता है। दुनिया में बड़े बड़े काम अपने हड़मास अपने जैसे हड़मास के पुतलों ने किए, उसने एक ये चैलेंज, इसके साथ साथ एक जिद है मेरी, लिंगानुपात बराबर करना है। अब आज मुझे थोड़ा आश्चर्य लगा, मैं सोचा तो पहले बेटियों की पूजन करूंगा, मैं आज विभाग भूल गया शायद, क्योंकि मैं तो उधर देख रहा था कि उधर जाना बेटियों की मेरी, जब तक मैं बेटियों की पूजन नहीं कर लेता, और ये आंगनवाड़ी की बहनें करवाती हूँ मुझसे, लेके थाली खड़ी रहती हूँ, आओ भैया पहले पांव धो बेटियों को। देखो एक बड़ा भेदभाव समाज अब कम हो रहा है, लेकिन मेरी बहनें बड़ी संख्या में बैठी, ये बेटे की चाह ने बेटियों के साथ बड़ा अन्याय किया। माँ भी कई बार भेदभाव कर देती, बेटा ज्यादा प्यारा, कुल का दीपक, बुढ़ापे की लाठी का सहारा,
अब बुढ़ापे में सहारा देगा कि लठ देगा, इसका कोई ठिकाना नहीं। लेकिन बेटी की सांस जब तक चलेगी, उसकी हर सांस अपने माता पिता के लिए होगी, ये लिख के रख लेना। मैं बेटियों का विरोधी नहीं हूं, लेकिन बेटियों को बराबर सम्मान क्यों नहीं? और इसलिए तो अपन ने बनाई, अपने विभाग चलाता लाडली लक्ष्मी योजना, और अब तो अपन ने देखा, आपने देखा कि लाडली की जिंदगी की सारी बाधाएं दूर कर दी अपन ने। अब लाडली लक्ष्मी का जो दूसरा भाग आया है, पहला तो आप जानते हैं, मुझे भाषण देने की जरूरत, बताने की जरूरत थी। दूसरे में अपन ने तय किया 12.5 कॉलेज में एडमिशन लेगी 12.5 हजार, तब डिग्री लेगी तो 12.5 हजार, और पढ़ाई करेगी तो उसकी फीस को भी भरवाने का काम। और मैं आज कह रहा हूं ये मैं करूंगा ही, लाडली लक्ष्मी बेटियों का एडमिशन नीट के माध्यम से मेडिकल कॉलेज में, जेई मेंस के माध्यम से इंजीनियरिंग कॉलेज में, क्लेट के माध्यम से लॉ कॉलेज में, बिजनेस मैनेजमेंट के कोर्स में, कहीं भी होगा तो उनकी फीस उनके मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे, उनका मामा भरवाएगा। ये हमारा संकल्प। और ये इसीलिए कि जिस कारण बेटियां बोझ समझी जाती थी, वो कारण ही हम समाप्त कर देंगे। लाडली लक्ष्मी योजना के कारण चमत्कार हो रहा है, मैं आपको बधाई देना चाहता हूं उसके लिए। पहले आपको पता है 2011-12 तक 912 बेटियां 1000 बेटों पर जन्म लेती थी, अब लाडली लक्ष्मी योजना के कारण वो संख्या बढ़ के पहुंच गई है 956 तक, और ओवरऑल लिंगानुपात हो गया है 970। पर हमारा काम है कि 1000 बेटे पैदा हों तो बेटियां भी 1000 पैदा होनी चाहिए, बराबर बराबर समान लिंगानुपात। और काम वो काम अपनी तरफ है, अपने विभाग की तरफ है, इससे बड़ी सेवा कोई और नहीं है समाज की। अच्छा कल्पना करके देखो, बेटा बढ़ते गए, बेटियां कम होती गई, तो सृष्टि का चक्र चलेगा क्या? कितनी तरह की कठिनाइयां पैदा होगी। कई राज्य जहां लिंगानुपात कम है, शादी नहीं हो रही लड़कों को, बहुएं नहीं मिल रही, तो दूसरे प्रदेश में जाते हैं। मतलब आप सोचो कैसा अनबैलेंस पैदा होगा। तो समाज के लिए भी जरूरी है, बेटी के लिए तो जरूरी है ही, ये अपना काम है। IMR MMR उसको कैसे कम करें? और मैं बताऊं, मेरे तो जीवन का जो मूल उद्देश्य, जिसको कहते हैं ना कि काम तो कई कर रहे हैं लेकिन जिंदगी का मकसद क्या है, तो जिंदगी का बस मकसद है मां बेटी और बहन को उसका अधिकार दिलाना, ये मेरी जिंदगी का मकसद है। इसलिए लाडली लक्ष्मी, इसलिए कन्या विवाह, और इसलिए मध्य प्रदेश पहला प्रदेश हुआ जहां तय किया कि अगर बिटिया को किसी ने गलत नजर से देखा, गलत हरकत की, तो सीधे फांसी के फंदे पर चढ़ाया जाएगा। यह कानून मध्य प्रदेश में सबसे पहले बना, और लगभग 87 लोगों को फांसी की सजा सुनाई जा चुकी है। और केवल ऐसे नहीं छोड़ते, मैंने कहा कि आर्थिक कमर तोड़ दो जिसने गड़बड़ की है, दुराचारी को बख्शेंगे नहीं तो घर पे बुलडोजर भी चलते हैं। ये नहीं, कैसे हम सहन कर सकते हैं कि सभ्य समाज में कोई इस तरह की गंदी हरकत करे और छोड़ दिया जाए? ये नहीं हो सकता। मां बहन और बेटी की सम्मान की रक्षा कर, उनको आगे बढ़ाने के हर अवसर देने, इसलिए कन्या विवाह जैसी योजना भी बनाई कि विवाह को बोझ बोझ मत समझो, काय के लिए, मध्य प्रदेश की सरकार है, मामा काय के लिए। अब शादियां धूमधाम से होंगी, देव उठनी ग्यारस आ गई है, तो जहां लगता है कि मम्मी पापा को बेटी की शादी होनी चाहिए, सरकार शादी करेगी। तो ऐसे एक में एक एक योजना आप जानते हैं, मैं एक एक योजना नहीं गिना रहा। हमारा काम कितना महत्वपूर्ण है आप सोचो। वन स्टॉप सेंटर, कई जगह अन्याय होता है आज, पहले से बहुत कम हुआ है, लेकिन पहले तो मैं गांव में देखता था
पति पत्नी में लड़ाई हुई तो पत्नी का पति का हक होता था कि डंडा उठाया और पत्नी को मार दिया, लेकिन इस युग में नहीं रहने देंगे प्रदेश, और इसलिए हम स्ट्रिक्ट भी हुए और महिलाओं को कैसे सामाजिक राजनीतिक आर्थिक सशक्तिकरण इसका काम किया है। मैं अपनी बहनों को बताना चाहता हूं, आपकी जानकारी में भी होगा कि मध्य प्रदेश पहला राज्य था जहां हमने तय किया कि चुनाव में स्थानीय निकायों के 50% रिजर्वेशन करके बहन और बेटी ही चुनाव लड़ेंगी, वहां भाई चुनाव नहीं लड़ेंगे। आप देखिए कई मेयर महिलाएं हैं, नगर पालिका अध्यक्ष महिलाएं हैं, नगर पंचायत अध्यक्ष सरपंच, उन्हीं तो ऐसी हालत थी कि घूंघट मारो और घर में बैठे रहो, चूल्हा जलाओ और गांव में कहते थे गोबर थोपो, भाई लोग निकलने नहीं देते थे बाहर। जब ये 50% रिजर्वेशन सुनिश्चित हुआ तो कई बहनें घूंघट के बाहर आई। जब ये हो रहा था तब तो बड़ा विरोध हुआ, क्या कर रहे हो, ये औरतें क्या करेंगी और हम क्या करेंगे, क्या बस्ता लेके घूमेंगे, क्या बैग लेके पीछे पीछे घूमेंगे। और आज वो सही हो गया कि ये सरपंच पति हैं, पार्षद पति, सरपंच पति, एक बड़ा परिवर्तन हुआ है। अब इसके बिना सशक्तिकरण नहीं हो सकता। वैसे ही 50% रिजर्वेशन शिक्षकों की नौकरी, और वैसे ही पुलिस में भी 30% भर्ती केवल बेटियों की होगी। आजकल आप देखते हैं जगह जगह बेटियां जब कानून और व्यवस्था की स्थिति संभालते हुए दिखती है तो मन आनंद और प्रसन्नता से भर जाता है। एक बड़ा परिवर्तन आ रहा है, महिला सशक्तिकरण, और कई तरह की योजनाएं, उनके विस्तार में नहीं जाता मैं, लेकिन विभाग की सबसे बड़ी जवाबदारी है। बाल विभाग क्यों होनी चाहिए, पता ही नहीं है बेटी को कुछ और आपने लगवा दिए साथ फेरे, समझ विकसित नहीं हुई और आपने शादी करके ससुराल भेज दिया, आगे बढ़ने का मौका ही नहीं मिला। इसलिए बाल विवाह से मध्य प्रदेश को मुक्त करें। फिर एक और संकल्प अपना, मध्य प्रदेश में कोई भी बच्चा अनाथ ना रहे। आप सभ्य समाज में देखिए, क्या इतने बड़े समाज में जिनके माता पिता नहीं वो अनाथ हो जाएंगे, उनको कोई नहीं पूछेगा, वो दर दर की ठोकरें खाएंगे। कोविड में जो बच्चे अनाथ हुए थे, हमने तय किया कि कोई अनाथ हमारे होते हुए कैसे हो सकता है, सबको 5,000 रुपया महीना दे रहे हैं, निःशुल्क राशन दे रहे हैं, सबकी पढ़ाई करवा रहे हैं, और जब रक्षाबंधन पे दिवाली पे मैं बुला के उन्हें गले लगाता हूँ, उनके साथ गाता हूँ, उनके साथ नाचता हूँ, तो मेरी जिंदगी धन्य हो जाती है। कोई अनाथ कैसे रह सकता है। और अब ये तय कर लिया केवल कोविड नहीं, कोई भी बिना माँ बाप का बेटा बेटी होगा तो हम उसके माता पिता हैं। काय के लिए अपना विभाग, उन बच्चों की देखरेख करना अपना काम, उसके लिए जितनी जरूरत पड़ेगी बजट में इंतजाम करेंगे। और वो एक बात और भोसले बता ही रहे थे कि 18 साल के बाद अगर कहीं किसी संस्था में, किसी आश्रमशाला में, किसी आश्रम में बच्चा रह रहा है तो कहें अब तू 18 का हो गया, जा अब कहीं कोई जगह नहीं, कहां जाएगा। तो हमने तय किया 18 का नहीं, जब तक डिग्री नहीं ले लेता या रोजगार नहीं मिल जाता तब तक हम उसका पालन पोषण करेंगे, उसकी चिंता करेंगे। तो बहुत महत्वपूर्ण है हमारा विभाग। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना नंबर 1 है, मध्य प्रदेश एक्स्ट्रा पैसे मिलाता है। आपकी जानकारी में मैंने देखा है, पहले बेटा बेटी जन्म लेते थे गांव में तो अस्पताल नहीं जाते थे, घर में पर्दे की आड़ में पीड़ा और दर्द से तड़पती हुई बहन बेटा बेटी को जन्म देती थी, और उसके बाद अगर कोई कठिनाई पैदा हो गई तो कई बार मां बेटा बेटी भी चले जाते थे, मातृ मृत्यु दर बढ़ती थी। अभी अपने ही काम है, अस्पताल में होगा तो सब,
और अब तो प्रसव पूर्व जांचें, ये साधारण काम नहीं, तपस्या है। अगर प्रसव पूर्व जांच हो गई तो कोई कठिनाई है तो पता चल जाएंगे, सारे टीके लगने चाहिए। अभी टीका नहीं लगता, जिंदगी लगती है। और ये टीकाकरण को साधारण मत मानना कभी, ये असाधारण काम है, ये बहनों की बड़ी सेवा है। तो प्रॉपर जांच, टीकाकरण, उसके बाद पैसा खाते में डालने का काम। पहले मैं गांव में देखता था कि बेटा बेटी को जन्म देने वाली बहन जन्म देने के 2-3 दिन पहले तक काम करती रहती थी, आराम करने का मौका नहीं मिलता था मजदूर बहन को, क्योंकि अगर आराम करेंगे तो खाएंगे क्या। और इसलिए यह तय किया कि जन्म देने के पहले 4,000 और जन्म देने के बाद, अब तो स्टेज में मिलते हैं, 12,000 देंगे, कुल 16,000 रुपया गरीब बहन को देंगे, ताकि बेटा बेटी का जन्म भी ठीक से हो, जन्म के बाद वो अपने बेटे बेटी को ढंग से दूध पिला पाए, आराम कर सके और पोषण आहार की कमी ना रहे। तो ये बड़ा काम है हमारे सामने, आप जानते हैं सब, बहुत बताने की मुझे जरूरत नहीं है। और इसलिए अपना विभाग बहुत महत्वपूर्ण है। और हम महिला सशक्तिकरण का, कुपोषण दूर करने का, बेटा बेटियों के बीच भेदभाव खत्म करने का, बाल विवाह रोकने का, मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर घटाने के एक बड़े अभियान में लगे हुए हैं। और शिक्षा की भी, प्राइमरी शिक्षा के पहले विद्यालय का रूप आंगनबाड़ियों को, ये बहुत महत्वपूर्ण काम है। ये काम हमारी जिन बहनों ने किया, अधिकारी साथियों ने किया, सभी कर रहे हैं, उनको मैं बहुत बधाई देता हूं, उनका मैं अभिनंदन करता हूं। और मैंने कहा है कि विभाग नहीं, परिवार है हमारा, परिवार एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए जिससे हर महीने हमारे पास कोई सुझाव, अगर हमारे विभाग के आंगनवाड़ी कार्यकर्ता देती है उनकी सुननी चाहिए, सुधार के लिए क्या करें, कार्यकर्ता हो, सहायिकाएं हो, सुपरवाइजर्स हो, या हमारे बाल विकास परियोजना अधिकारी हो, और बेहतर कैसे कर सकते हैं, और अच्छा कैसे कर सकते हैं, गड़बड़ की संभावना निर्मूल कर देना, ठीक से देखने की व्यवस्था उसमें, और कहां सुधार की जरूरत है, जहां जरूरत है उस वैसे सुधार कर देना। उसने कोई सिस्टम ऐसा बने कि सुझाव भी आए। और मैं कह रहा हूं कि आज तो अपन ने यहां पुरस्कार दिया है, अब ये केवल राज्य स्तरीय पुरस्कार हर साल दिए जाएंगे, लेकिन उसके साथ साथ एक जिला स्तरीय पुरस्कार स्थापित किया जाए, जिले में नंबर 1 आंगनबाड़ी, नंबर 2, नंबर 3, प्रथम, द्वितीय, तृतीय जो आंगनबाड़ी आए उनके कार्यकर्ताओं को भी सम्मानित किया जाए। एक प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए कौन की आंगनबाड़ी सबसे अच्छी है। और ये हमने सर्टिफिकेट भी दिए हैं, मोमेंटो भी दिए हैं, लेकिन जिन साथियों को सम्मानित किया उनको 25,000 रुपए की सम्मान निधि भी दी जाएगी। महत्व पैसे का नहीं है, महत्व सम्मान का है। और पुरस्कार की योजना ये जिला स्तर पे तो इसी साल करना है, दिसंबर के पहले जिलों में कौन सी आंगनबाड़ी है रैंकिंग कर लें और उनको पुरस्कृत करने का काम करें। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, हम सब एक कमिटमेंट के साथ जुटे, जो लक्ष्य हमारे विभाग के उनको पूरा करने के लिए। और एक कोई मैकेनिज्म ऐसा भी बन जाए कि 3-4 महीने में एक बार मेरी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं के प्रतिनिधिमंडल से भी भेंट हो जाए, उनके सामने कठिनाइयां हैं तो उस पर भी बात करके उनका भी हम समाधान करेंगे।
उसका रास्ता कोई आंगनबाड़ी बंद करनी नहीं है कि ताला डाल दिया आंगनबाड़ी में, वो तो उद्देश्य आपने खत्म कर दिया। बच्चे अगर पोषण आहार नहीं खाएंगे तो वो तो उससे बड़ा पाप नहीं हो सकता कोई। तो जो भी है वैसी चीजें होंगी, आखिर अपनी बहनें अपन उनके साथ चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे, समस्याएं आएंगी तो उनका भी समाधान करेंगे। आज जिन बहनों को साथियों को पुरस्कृत किया है उनको मैं बधाई देता हूँ। मेरा चूंकि 12 बजे से एक दूसरा कार्यक्रम था, लेकिन आपके बीच आया तो अपने आप को रोक नहीं पाया और थोड़ा ज़्यादा बोल गया। आप सबको शुभकामनाएं, बधाइयाँ। आइए मिलके हम अपने विभाग के माध्यम से कुपोषण का अंत कर दें, महिला सशक्तिकरण कर दें और ऐसी परिस्थिति पैदा कर दें कि मम्मी पापा कहने लगे बेटा तो ठीक है, अगर घर जन्म ले तो लाडली ही जन्म ले। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी आपके होशपूर्ण उद्बोधन के लिए। शायद आपने यही संदेश दिया है अभी विभागीय अमले को कि चलो नई मिसाल हो, जला नई मशाल हो, रुको नहीं, झुको नहीं, बढ़े चलो। और आपकी अपेक्षाएं निश्चित रूप से खरी उतरेंगी। इस कार्यक्रम के अंत में मैं अनुरोध करती हूँ अपर संचालक महिला बाल विकास विभाग से सुश्री सीमा सिंह ठाकुर जी से कि वे धन्यवाद ज्ञापित करें। धन्यवाद। आज के इस गरिमामय कार्यक्रम में विभागीय अमले के मार्गदर्शन एवं प्रोत्साहन के लिए मध्य प्रदेश के मुखिया, बल्कि हमारे महिला बाल विकास परिवार के मुखिया मुख्यमंत्री महोदय के लिए हम अंतस की गहराइयों से आभारी हैं, जिन्होंने अपनी व्यस्तता के बावजूद हमें आशीर्वचन स्वरूप प्रोत्साहन एवं मार्गदर्शन देने के लिए अपना अमूल्य समय दिया। हम आभारी हैं हमारे वरिष्ठ एवं अनुभवी अपर मुख्य सचिव महोदय महिला एवं बाल विकास विभाग, जिनके नेतृत्व में विभाग सतत सफलता प्राप्त कर रहा है। साथ ही हम इस कार्यक्रम में हमारे उप सचिव महोदय अजय कटेसरिया सर, अदिति मैडम का भी हम धन्यवाद करते हैं। साथ में मैं धन्यवाद देती हूँ विभाग के संचालक महोदय महिला बाल विकास, जिनके मार्गदर्शन में विभाग ने नई ऊंचाइयों को प्राप्त किया है। मैं धन्यवाद देती हूँ विभाग के समस्त अधिकारी कर्मचारी साथियों का, जो प्रदेश के समस्त संभाग और जिले और गाँव में वर्चुअली जुड़े हैं। साथ ही कुशा भाई ठाकरे सभागार भोपाल में सहभागी और उपस्थित हैं। मैं आभारी हूँ मीडिया, NIC और सभागार प्रबंधन का, जिनके सहयोग से इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक आयोजित किया जा सका। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी आपका। इस सदन में उपस्थित आप सभी का बहुत बहुत आभार है और जिलों से जुड़े सभी अधिकारियों कर्मचारियों आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं सहायिकाओं आप सभी के लिए